का लेक्चर नंबर 1 है, द्रास मास्टरी सरल कोर्स बाय सर अदील। ठीक है, मेरा नाम अदील हसन है और मैं आपको आज फर्स्ट लेक्चर में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा और कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा दराज के बैकग्राउंड के बारे में, जिससे आपको आइडिया होगा कि दराज का प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है हमारे लिए। देखें, दराज एक ऐसा हमारे पास अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जिससे हम काम करके अपने आप को मनवा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो वहां आपको नुकसान भी हो सकता है, मगर दराज एक ऐसा वाइड प्लेटफॉर्म है जहां आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पे काम करेंगे, बताए हुए तरीके अमल करेंगे तो कभी नुकसान, अगर आप अपने तरीके अपनाने लग जाएंगे आप, तो फिर आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है, ये बात याद रखिएगा मेरी, ठीक है ना। तो जो तरीके आपको बताए जाएंगे, जो चीजें सिखाई जाएंगी, उसको अमल करें, उस पर काम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोर्स की आउटलाइन के बारे में जिक्र कर लें, हमारे कोर्स में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं। सबसे पहले दराज का तारुफ, दराज का इंट्रोडक्शन क्या है, दराज पे सदर अकाउंट कैसे बनता है, उसके बाद दराज सेलर सेंटर का डैशबोर्ड कैसा होता है, उसके बाद हम आपको प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स बताएंगे, किस किस तरीके से आप प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। इसी के साथ इसी टॉपिक में हम आपको सोर्सिंग के कुछ प्लेटफॉर्म बताएंगे जहां से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड मैनेजमेंट, आप प्रोडक्ट को लगाएंगे कैसे, प्रोडक्ट को मैनेज कैसे करेंगे, इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगी वो सिखाया जाएगा आपको। उसके बाद फुलफिलमेंट ऑर्डर, दराज पे बेसिकली ऑर्डर करने के दो मेथड हमारे पास, एक मेथड जो है हमारे पास वो होता है FBD, उसको बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय दराज, जो आप दराज के वेयर हाउस में सामान बेचते हो और दराज वाले उसको पैक करते हैं, दराज वाले उसको डिलीवर करते हैं, उसको बोलते हैं FBD मॉडल, मगर ये स्टार्ट में नहीं मिलेगा आपको, 1 महीने के बाद मिलेगा। उसके बाद FBS मॉडल, फुलफिलमेंट बाय सेलर, ये वो मॉडल है आपके पास जिसको आप खुद पैक करोगे और खुद डिलीवर करोगे। ठीक है, वो बेसिक मॉडल है हमारे पास FBD FBS। दूसरा है फाइनेंस, फाइनेंस का मतलब पेमेंट, आपकी पेमेंट आपको कब मिलेगा जाएगा, अच्छा जी। अब हम बात करते हैं कि आगे हम हमसे बात है फाइनेंस क्या होती है, टूल्स क्या होते हैं, सेल्स कैसे बढ़ाई जाएगी, कंट्रोलिंग एंड रिटर्न्स को कैसे रोकना है, आपने रिटर्न रेट कैसे कम करना होता है, पॉलिसीज क्या है, गाइडलाइन क्या है, तमाम तर टॉपिक बेसिक टू एडवांस आपको इस कोर्स में बताए जाएंगे। ठीक हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे कि बोनस सेक्शन, इस कोर्स में जो स्टूडेंट जितने भी एनरोल बैठे हुए हैं यहाँ पर, सबको वो तमाम डाटा जो मेरे हाथ से बना, जिसमें PDF फाइल्स तराश की अपनी है वो दूंगा आपको मैं, कुछ एक्सेल शीट मेरे हाथ की बनी हुई आपको प्रोवाइड की, जिसमें शिपिंग चार्जेस हो गए, हमारे पास कमीशन की शीट हो गई, हमारे प्रोडक्ट हंटिंग की शीट हो गई, इसके अलावा प्रॉफिट कैलकुलेशन की शीट होगी, डिफरेंट शीटें आपको मिलेंगी। उसके बाद दराज सेलर्स अकाउंट सेटअप, हम आपको अकाउंट सेटअप करवाने में आपको हेल्प करेंगे, मतलब आपको बताएंगे कैसे अकाउंट बनता है आपका, ब्रांड रजिस्टर करवाएंगे आपका अपना जाती, स्टोर मैनेजमेंट सिखाएंगे आपको, स्टार्ट अर्निंग विद दराज, दराज से अर्निंग कैसे शुरू होती है वो आपको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये तमाम वो सेक्शन है जो बोनस के तौर पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसको आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं हमारा टॉपिक 1 क्या है, हमारा टॉपिक 1 है इंट्रोडक्शन टू दराज, दराज का तारुफ। आज आपको सिर्फ हम बेसिक चीजें सिखाएंगे, बेसिक चीजें बताई जाएंगी कि कैसे दराज का बैकग्राउंड क्या है, दराज का ओवरव्यू क्या है, व्हाट इज दराज, दराज क्या है, सम नंबर्स टू एनालाइज, कुछ नंबर आपको बताए जाएंगे, कितने सेलर्स हैं, कितने बायर्स हैं, कितना पोटेंशियल है, हाउ दराज वर्क, दराज काम कैसे करता है, टॉप कैटेगरीज, कौन कौन सी दराज पे टॉप कैटेगरीज हैं जो आप सेल कर सकते हैं दराज के ऊपर, ओवरव्यू ऑफ दराज, दराज की वेबसाइट का आपको ओवरव्यू दिया जाएगा। उसके बाद क्रिएट बायर कस्टमर अकाउंट, आप अपना जाती बायर अकाउंट, सेलर नहीं, बायर, इसको बोलते हैं बायर अकाउंट, जो चीजें खरीदता है, शॉपिंग करता है, तो वो अकाउंट आप कैसे बनाएंगे अपनी ईमेल पे, वो आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दराज क्या है, व्हाट इज दराज, Daraz.pk इज द बिगेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस, दराज जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है, जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं ऑनलाइन। उसके बाद दराज जो है हमारे पास पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में, नेपाल, ये 5 कंट्रीज में इस वक्त दराज ऑपरेट हो रही है। इट वॉज फाउंडेड, दराज जो है 2012 में हमारे पास वजूद में आया, ठीक हो गया। उसके बाद सबसे जर्मन बेस्ड वेंचर कैपिटल कंपनी थी इसको उसने एक्वायर किया जून 2016 में,
ये एक पाकिस्तान की हमारे पास मार्केट प्लेस थी केमो डॉट पीके, उसके साथ ये मिल गया, मतलब मर्ज हो गया। ये दोनों ग्रुप आपस से मिलने के बाद बन गए दराज ग्रुप, क्योंकि ये दो अलग अलग वेबसाइट्स थी, दराज की और केमो की। जब दोनों आपस से मिल गए तो ये बन गए दराज ग्रुप बन गया। उसके बाद मई 2018 में दराज को चाइनीज जायंट ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, इसका नाम सबने सुना होगा, उसने इसको खरीद लिया, एक्वायर कर लिया। अब दराज जो है अलीबाबा की मलकियत है, मतलब दराज पे हक जो है अलीबाबा का है पूरा का पूरा, क्योंकि दराज को एक्वायर कर लिया गया, खरीद लिया गया है। तो उस वक्त से 2018 से दराज का सुनहरी वक्त शुरू हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि दराज पे कितने सेलर्स हैं, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कितने बायर हैं, कितने विजिटर्स हैं। दराज पर इस वक्त जो रजिस्टर्ड और वेरीफाइड 40,000+ सेलर, 40,000 से ज्यादा सेलर मौजूद हैं। उसके बाद दराज पे प्रोडक्ट जो है कम से कम 70 लाख+, 80 लाख भी हो सकती है, 70 लाख भी हो सकती है, हमारे पास इतनी प्रोडक्ट मौजूद है हमारे पास। उसके बाद दराज पे कस्टमर और जो बायर है, जो खरीदने वाले बंदे हैं, वो 50 लाख से ज्यादा है हमारे पास, 9 मिलियन, 5 मिलियन+। उसके बाद मंथली विजिटर्स, जो डेली या जो मंथली बेस पे दराज की वेबसाइट का विजिट करते हैं, वो तकरीबन है 9 मिलियन+, मतलब के 90 लाख+ लोग हर महीने दराज पे विजिट करते हैं। तो ये दराज का पोटेंशियल है। देखिए सेलर्स कितने हैं और बायर कितने हैं, तो इसलिए दराज पर पोटेंशियल ज्यादा है काम करने का। अगर आप भी एक प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद हाउ दराज वर्क, दराज काम कैसे करता है, 4 स्टेप्स हैं दराज पे काम करने के। नंबर 1 स्टेप, रजिस्टर्ड एज सेलर, आप अपने आप को सेलर पर रजिस्टर करवाएं पहले आप। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को दराज के स्टोर पर लगाएं, उसके बाद अपने ऑर्डर को फुलफिलमेंट करें, गेट पेमेंट एंड ग्रो योर बिजनेस, अपने पेमेंट को लें और अपने बिजनेस को ग्रो करें अपने बैंक अकाउंट के थ्रू। ठीक है, ये सिंपल 4 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपना काम आसान कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको एक मजे आता हूँ, दराज पे जो सबसे बड़ी सेल लगती है, बिगेस्ट सेल डे पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन दराज पे सबसे बड़ी सेल लगती है, धमाकेदार सेल लगती है। उससे होता क्या है, उससे सेलर को बहुत फायदा है, बायर को भी फायदा है। अगर आप इस सेल में हिस्सा लेते हैं तो एक दिन में आपके 100,000 ऑर्डर आराम से जनरेट हो जाते हैं एक एक प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि इस सेल पर आपको ज्यादा डिस्काउंट मेंशन करना पड़ता है, मतलब कि ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है, जिसकी वजह से ये हमारी मेगा कैंपेन है और इसमें सेलिंग रेशियो बहुत ज्यादा है। और लास्ट टाइम करोड़ों अरबों रुपए की सेल हुई थी एक दिन के अंदर दराज के ऊपर। ठीक है, तो ये दराज का पोटेंशियल, दराज का गेम है सारा का सारा। उसके बाद हम बात करते हैं टॉप कैटेगरीज, दराज पे ऐसी कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो टॉप रेटेड हैं, जिसको बहुत सारे सेलर्स, बहुत सारे मास्टर सेलर मानते हैं। और ये वही कैटेगरी आपके सामने मैंने खोल के रखी हुई है, ये तमाम वो कैटेगरीज हैं जिन पे आप भी काम कर सकते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है किचन आइटम, जितने भी किचन के आइटम अंदर यूज होते हैं, किचन आइटम, सिलिकॉन आइटम्स, वो सारे टॉप रेटेड कैटेगरी है हमारे पास। उसके बाद डेकोरेशन आइटम्स, जिसके अंदर स्टिकर आ जाते हैं, हमारे पास 3D स्टार आ जाते हैं, डिफरेंट चीजें इसमें आ जाते हैं, मटायल स्टिकर आ जाते हैं, जितने भी होम डेकोरेशन या घर को डेकोरेशन, सारी लाइट्स आ जाती हैं, जितने भी डेकोरेशन आइटम्स होते हैं हमारे पास, वो टॉप रेटेड कैटेगरीज में आते हैं। उसके बाद वॉचेस एंड सन ग्लासेस, मतलब जो घड़ियां होती हैं मेंस वुमेन, और सन ग्लासेस जो होते हैं मेंस वुमेन, ये भी हमारे टॉप रेटेड कैटेगरीज में शामिल है। उसके बाद फैशन में जो मेंस की चीजें हैं, वुमेन्स की हैं, या बच्चों की, जो भी आइटम हमारे फैशन कैटेगरी में आ रहे, कपड़े हैं, जूते हैं, जो भी चीजें हमारे पास, तमाम की तमाम हमारे टॉप रेटेड कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद हेल्थ एंड ब्यूटी, जिसमें कॉस्मेटिक्स, मेकअप, ब्रशर्स, लाइनर्स, जितनी भी चीजें हमारे पास, क्रीम्स हैं जो हेल्थ एंड ब्यूटी को रिलेट करती हैं, वो कैटेगरी भी हमारे टॉप रेटेड कैटेगरी है। उसके बाद बेबी आइटम्स, या मदर एंड बेबी आइटम्स, या किड आइटम्स, या टॉयज एंड गेम्स जो होते हैं, ये तमाम कैटेगरीज एक बेबी को लिंक करती हैं। और ये वो ऐसी कैटेगरी है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर आप इस कैटेगरी में काम करते हैं, बेबी कैटेगरी में या किड्स कैटेगरी में, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा आएगा आपके पास इंशाल्लाह, क्योंकि ये वो कैटेगरी है जिसकी कमीशन रेट बहुत कम है और इसकी प्रॉफिट रेशियो ज्यादा ज्यादा है हमारे पास, ठीक है, आम कैटेगरी के मुकाबले में। अगर आप भी इस कैटेगरी पे काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज है हमारे पास। अब हमने दराज की वेबसाइट का ओवरव्यू लेना है, मतलब ये तो हो गया दराज का बैकग्राउंड, दराज की हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे कि दराज की जो वेबसाइट है, हम उसको जरा ओपन करके चेक करेंगे।
अब मैं लिखता हूँ गूगल पे जाके द्रास डॉट पी के, ठीक है? आपने लिखा द्रास डॉट पी के, जैसे लिखा तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होगी, ई कॉमर्स की वेबसाइट, ठीक है? अब इस पे आपने सबसे ऊपर द्रास का लोगो लगा, सबसे ऊपर टॉप पर द्रास का लोगो मौजूद है। उसके बाद कुछ ये कैटेगरीज आ रही हैं हमारे पास। कैटेगरी का मतलब वो चीज जो इससे रिलेट लिंक, मतलब फर्ज करें एक कैटेगरी है बेबीज एंड टॉयज, इसमें जितने आइटम भी होंगे बच्चों से लिंक करते हुए होंगे, ठीक है? एक कैटेगरी है होम एंड लाइफस्टाइल, ये घर से लिंक करते हुए किचन आइटम हो गए, डेकोरेशन के आइटम हो गए, बाथ आइटम्स हो गए, लॉन्ड्री आइटम हो गए, जितने स्टेशनरी के आइटम, सारे जो घर में यूज होते हैं आइटम, जो ऑफिशियल यूज होते हैं, वो सारे आइटम यहाँ मूव करेंगे आपके पास। उसके बाद मेंस फैशन, ये आदमियों का फैशन कैटेगरी, इसमें आदमियों के जितने भी आइटम, टी शर्ट, ट्राउजर, कुर्ता, शलवार, शूज, तमाम चीजें जो बच्चों के या आदमियों को लिंक करते हैं, वो सारे के सारे आपको इस कैटेगरी में नजर आएंगे, मेंस फैशन में। तो इन कैटेगरी को आपका पहला काम क्या है, आज आपकी जब क्लास खत्म होगी तो पहला काम आपका ये है कि आपने क्या करना है, आपने इन तमाम कैटेगरी को बार बार खोल कर देखना है और चेक करना है किस कैटेगरी में कौन सा आइटम है। अब आपके सामने मैं एक कैटेगरी खोल कर दिखाता हूँ। जो कैटेगरी है होम एंड लाइफस्टाइल में जाते हैं हम लोग, और यहाँ जाते हैं हम लोग बाथ में, फिर बात पे क्लिक करते हैं हम लोग। यहाँ पर इसमें बात से लिंक करते हुए जितने भी आइटम्स होंगे सारे आपको यहाँ पर शो होंगे, बात से लिंक करते हुए, ठीक है? अब मैंने ये बात कैटेगरी खोल ली। अब जितने भी इसमें आइटम आ रहे हैं, जितनी इसमें सब कैटेगरी आ रही हैं, वो सारी की सारी बात से लिंक करती है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं हम यहाँ पर। अब ये देखें जितनी भी कैटेगरी आ रही है आपके सामने, देखें यहाँ पर टू डिस्पेंसर आ रहा है, ये डिस्क बॉक्स सॉफ्ट बॉक्स होल्डर आ रहे हैं हमारे पास, टॉवल आ रहे हैं, ये हमारे पास इसमें सामान रखने वाला सामान, ये आ रहा चीजें आ रही है, टॉवल्स आ रहे हैं, जितने भी आइटम आ रहे हैं सारे के सारे, जितने भी आइटम को नजर आएंगे यहाँ पर, वो तो सारे के सारे बात से लिंक करते हुए होंगे। तो इस बात से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वो आइटम है सारे के सारे जो बात से लिंक करते हैं। फर्ज करें हमें एक आइटम चेक करना है कि भाई इसकी वैल्यू क्या, हम ये चेक करते हैं, ये डिस्पेंसर, इसको खोल के चेक करते हैं। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करूंगा। अब ये आइटम जो है, ये प्रोडक्ट जो है ओपन हो रहा है। अब इस प्रोडक्ट की हमने लिस्टिंग चेक करनी, इस प्रोडक्ट में है क्या खास बात। अब देखें इस प्रोडक्ट का नाम है बेस्ट क्वालिटी टूथपेस्ट डिस्पेंसर, ब्रश होल्डर और टूथपेस्ट डिस्पेंसर, इस तरह का प्रोडक्ट है ये हमारे पास, इस तरह ये काम करता है। देखिए आपके सामने नजर आ रहा है आपको ये, और इसकी प्राइस है 238। फर्ज करें ये प्रोडक्ट आपको 190, 180 का, 150 का मिल जाता है, और आप इसको सेल करते हैं तो आप भी आराम से एक छोटी सी प्रोडक्ट पे 30 to 40 rupees प्रॉफिट कमा सकते हैं, ठीक है? तो दराज पे इतना पोटेंशियल जरूर मौजूद है कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा सेल करें जिसपे प्रॉफिट कम से कम 30 to 40% है, 30 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो प्रोडक्ट भी आपने सेल करनी है उसकी होलसेल प्राइस आपने देखनी है। अगर आपको ये प्रोडक्ट मिलता है 150 रुपए का और आप इसको 238 रुपए का सेल करते हैं, कम से कम आपको 30 to 32 rupees प्रॉफिट आ रहा है, तो ये बेस्ट प्रॉफिट, बेस्ट। आपको प्रॉफिट निकालना भी हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लासेस में, आपको बताया जाएगा कौन सा प्रोडक्ट आपने हंड करना है, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कमीशन क्या होता है, तमाम चीजें आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, ठीक है? आपको मैंने थोड़ा सा दराज के बारे में ओवरव्यू दे दिया कि दराज पे कैटेगरीज हम कैसे सर्च करते हैं। उसके बाद दराज पे एक सबसे अहम चीज है, उसका नाम है फ्लैश सेल्स का। अब मैं आपको वो दिखाता हूँ यहाँ पर। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, हल्का सा थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर एक सेल आएगी, इसका नाम होगा फ्लैश सेल। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, लिखा है फ्लैश सेल, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लिखा है फ्लैश सेल। फ्लैश सेल का मतलब है वो सेल जो डेली बेस पे लगाई जाए और जिस पे डिस्काउंट है। यहाँ से आप हंटिंग भी करते हैं, यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। आप राइट क्लिक, राइट साइड पे यहाँ लिखा हुआ शॉप मोर, इस पे आप क्लिक कर दें। अब ये सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने ओपन हो गई हैं। अब आपने करना क्या है, आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब फर्स्ट करें हम एक प्रोडक्ट देखते हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट है यहाँ पर जिसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ प्रोडक्ट का काम क्या है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं हम लोग। हाँ, ये प्रोडक्ट है हमारे पास, इसका नाम है हमारे पास सिंपली, इसका नाम है हमारे पास स्टोरेज बैग। इसका नाम होता है स्टोरेज बैग, जिसमें आप अपनी चीजें, कंबल, तौलिए, कपड़े सब कुछ डाल सकते हैं अपने लिहाज से आप, ठीक है? ये स्टोरेज बैग है हमारे पास सारा का सारा, ठीक है? अब इसकी इमेज हम देख लेते हैं, ये इसकी इमेज देखिए यहाँ पर आ रही है। स्टोरेज बैग इस तरह का होता है, इसमें आप डिफरेंट चीजें अपनी डाल सकते हैं, मतलब के तौलिए, कंबल, सर्दियां आती है कंबल रखने,
हर चीज इसमें सेव हो जाती है। ये बड़ा जबरदस्त है, इसको आप खुद भी बनवा सकते हैं। मतलब अगर आप लाहौर कराची इस्लामाबाद में रहते हैं तो वहां पर इसके काफी मैन्युफैक्चर मौजूद हैं, वो आपको कंपनी रेट में ये सामान मिल जाता है। फर्ज करें आपको ये 50 रुपए का मिलता है, एक 60 रुपए का मिलता है, और आप इसको बेचते हैं 100 रुपए का, 50 का मिला, 100 का आपने सेल कर दिया, इससे क्या होगा आपको कम अज कम 30 से 40 रुपए। अब देखिए ऊपर लिखा हुआ है फ्लैश सेल का आइटम है सोल्ड आउट, इसका मतलब क्या है, ये सारा का सारे आइटम इसके सोल्ड हो गए, कुछ बचा ही नहीं। मतलब कि इसने फ्लैश सेल में प्रोडक्ट डाली, डालने के बाद इसके सारे प्रोडक्ट जितने भी इसके पास स्टॉक पड़ा हुआ था सारा का सारा सेल आउट हो गया। तो इतनी अच्छी प्रोडक्ट है ये, अगर आप इसको सेल करते हैं आपको काफी प्रॉफिट होने वाला है। इसके बाद हम इसके थोड़े से रेटिंग चेक कर लेते हैं, इसकी रेटिंग जो आ रही है 5 out of 5। रेटिंग का मतलब होता है जो लोग इसको पसंद कर रहे हैं, जो लोग इससे बाय कर रहे हैं, जो लोग इसको स्टार्स दे रहे हैं, उसको बोलते हैं रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी 5 स्टार रेटिंग आ रही है, 26 आ रही है हमारे पास। उसके बाद नीचे आके इसका हम फीडबैक चेक करते हैं। अब देखिए इसकी तस्वीर आप चेक कर लें, ये प्रोडक्ट है किस तरह का, देखिए ये इस तरह का प्रोडक्ट है आपको सामने शो हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, अब इसका प्रोडक्ट इस तरह का नजर आपको यहाँ पर आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट है हमारे पास, सब इसकी तस्वीरें बना के भेज रहे हैं, उससे काफी अच्छा मतलब इसको फीडबैक। उसके बाद नीचे आते हैं इसके सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर चेक कर लें कि लोग इससे सवाल जवाब चेक करें, ठीक है ना। तो ये है इसमें प्राइसेस हैं डिफरेंट, सब कुछ नजर आपको यहाँ पर आ रहा है। इसकी प्राइस क्या है, प्राइस है हमारे पास 250, 250, ये 3 पीस मिल रहे हैं, मतलब 250 के आपको 3 पीस मिलेंगे। ओरिजिनल प्राइस इसकी कितनी है, 460 है, जो इसकी सेल प्राइस है, ये जो ऊपर ऑरेंज रंग की होती है इसको बोलते हैं सेल प्राइस, तो ये आ रही है 250 हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो ये है कि ये प्राइस आपके पास 250 आ रही है और नीचे आपके पास आ रही है 460 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडिया होगा प्राइस क्या है सेल प्राइस की। रेटिंग चेक करनी, 26 आ रही है, क्वेश्चन आंसर 9 आ रहे हैं। इसके अलावा हम एक और प्रोडक्ट दिखा देते हैं आपको, ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए कि कैसे हमने प्रोडक्ट को देखना, कैसे एनालाइज कैसे करना है। इसके बाद एक प्रोडक्ट हमारे सामने और आ रही है, ये प्रोडक्ट है, इसको भी आप मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, किसी से बनवा भी सकते हैं, होल सेल पे आपको आराम से पाकिस्तान से मिल जाएगी ये प्रोडक्ट, ये आपको कम से कम 40 रुपए की आराम से मिल जाएगी। अच्छा ये प्रोडक्ट आपके सामने शो हो रही है, तो इसका नाम है डोर ड्राफ्ट डस्ट टॉपर, ये इस तरह की प्रोडक्ट है आपके सामने। मतलब ये काम क्या करती है, ये मिट्टी और कीड़े मकोड़ों को घर में आने से रोकती है, दरवाजे के नीचे फिक्स। इसके साइज डिफरेंट है, मतलब इसके साइज आपके सामने 18 से लेकर 44 साइज के होते हैं, डिफरेंट साइज होते हैं, मतलब इसमें साइजिंग की बहुत वेरिएशन है हमारे पास। इसकी प्राइस कितनी आ रही है, 109 आ रही है, एक पीस आपको 109 रुपए का मिलेगा। फर्ज करें ये आपको 40-50 रुपए का मिलता है और आप 109 का सेल करते हैं, कम से कम भी आपको 20-30 रुपए आराम से प्रॉफिट आएगा, और ये अच्छा प्रॉफिट है। अब देखिए इसके 11 पीस सोल्ड हो गए, 11 पीस आर सोल्ड, ठीक है, 11 पीस इसके सोल्ड हो गए हैं आपके सामने, ठीक हो गया। और इसकी प्राइस आ रही है 109, 109 को आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो आपको आइडिया हो जाएगा इसकी सेल्स एक दिन की कम से कम 1,000 से ऊपर की है, प्रॉफिट समझे इसको आ रहा है कम से कम 500-400 प्रॉफिट आ रहा है, और एक दिन की सेल्स इसकी कम से कम आ रही है 1,000 प्लस, तो ये बहुत अच्छी सेल्स है, कम सेल्स नहीं है हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं और रेटिंग पढ़ लेते हैं। देखिए इसकी रेटिंग जो आ रही है 5 में से out of 4.6, मतलब 5 में से 4.6 आ रही है, और 5 स्टार रेटिंग जो सबसे अच्छी रेटिंग होती है 613 आ रही है। उसके बाद इसका हम फीडबैक पढ़ लेते हैं, कितने लोग इसको अच्छा से समझ रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है इट्स रियली गुड प्रोडक्ट, काफी लोग इसको मतलब अच्छा समझ रहे हैं। अच्छा उसके बाद ठीक है, ये प्रोडक्ट इसने दरवाजे के नीचे लगा के दिखाई कि कैसे फिक्स होती है, देखें यहाँ पर इसने दरवाजे की अपने नीचे जो है प्रोडक्ट लगा के दिखाई, इस तरह से प्रोडक्ट ये लग जाती है हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये आपको नजर आ रहा है कि इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं, अच्छा फीडबैक भी आ रहा है, और क्वेश्चन आंसर भी इसके आ रहे हैं, तो ये हमारे पास सारा नजर सब कुछ नजर आ रहा है, प्रोडक्ट कैसी है, प्रोडक्ट कैसा नहीं है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस को, प्रोडक्ट की रेटिंग को, रिव्यू को, क्वेश्चन आंसर को, इससे आपको आइडिया होता है कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, ठीक हो गया। तो ये आपके सामने मैंने 2 प्रोडक्ट्स आपको ओपन करके दिखा दिए। अच्छा इसके बाद आज जो हमारा काम है वो काम ये था कि हमने प्रोडक्ट इस वेबसाइट को थोड़ा ओवरव्यू लेना था, मतलब हमने ऊपर से इसकी कैटेगरीज देख ली सबसे ऊपर टॉप पर, नीचे आए हमने इसकी फ्लैश सेल देख ली, उसके बाद नीचे हम फिर आए तो यहाँ लिखा हुआ है कलेक्शंस, कलेक्शंस यहाँ पर दिए हमें, उसके बाद नीचे आए दराज मॉल। तो दराज मॉल बेसिकली दराज का एक मॉल होता है जहां पर आपको रिलायबल प्रोडक्ट्स मिलती हैं अच्छी क्वालिटी में, मगर थोड़ी महंगी होती हैं, मगर मिलती है अच्छी क्वालिटी में। अगर आप इसको यहाँ शॉप मोर पे क्लिक करें तो
तो ये सारी वो प्रोडक्ट दिखाएगा आपको, जो दराज मॉल मतलब जो दराज की ऊपर रजिस्टर्ड है, जो ब्रांड रजिस्टर्ड है, जैसे आइडोनिक का ब्रांड है मोबाइल में हम देख लें, ये एक्सोमी का ब्रांड हो गया, इसके अलावा आइटल का ब्रांड हो गया, जितने भी मोबाइल्स के ब्रांड है, एक्सेसरीज के ब्रांड जो जैसे बोनेंजा है, कपड़ों का ब्रांड है, फैशन के ब्रांड है, सारे के सारे दराज पर रजिस्टर्ड होते हैं ब्रांड्स, जितने ओरिजिनल ब्रांड्स हैं। अब आपके सामने कुछ ब्रांड्स नजर आ रहे हैं आपको, गोंदल ब्रांड है यहाँ पर, इस तरह ओलिविया का ब्रांड है यहाँ पर, इस तरह सर्फ एक्सल का ब्रांड आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इसके अलावा ये ब्रांड है हमारे पास अहमद फूड्स का ब्रांड है यहाँ पर, इसके अलावा लिस्टन का ब्रांड है, कपड़ों का ब्रांड यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपको, देखिए काफी ब्रांड। अब फर्ज करें हम ये ब्रांड ओपन करते हैं जैमो रिपब्लिक का, चेक करते हैं कि भाई इस प्रोडक्ट इसके शॉप पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। अब बिल्कुल ये देखें नया ब्रांड है, इतना खास पुराना ब्रांड नहीं है। अच्छा इसकी प्रोडक्ट्स हम चेक करते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स, हम ऑल प्रोडक्ट्स में जाएंगे, थोड़ा नीचे आएंगे हम देखेंगे, ये सिर्फ जो है कपड़े बेच रहा है, कपड़ों का ब्रांड ये बेच रहा है, मतलब इसके बाद जितने ब्रांड्स भी हैं, जितने भी हैं सारे सारे कपड़े बेच रहे हैं मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो इस बात से आपको आइडिया हो जाएगा ये सिर्फ कपड़े, इसके बाद देखिए सिर्फ 6 आइटम्स हैं और इस पर ऑर्डर थोड़े थोड़े आपके पास आ रहे हैं, और दराज मॉल के ऊपर ये रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, ठीक हो गया। उसके बाद हम एक और ब्रांड चेक कर लेते हैं, तो क्या एक ब्रांड सिंगल ब्रांड हमने चेक किया कि इसने प्रोडक्ट कितने लगाए हुए हैं और ये बेच क्या रहा है। अच्छा इसके बाद हम एक और लोकल ब्रांड चेक करते हैं, मतलब कि हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं यहाँ पर, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, एक ये ब्रांड आ रहा है हमारे पास, ये ओएल नैनग्रो का हो गया, ये एक ब्रांड है यूटापिया का ब्रांड आ रहा है, हम इसको चेक कर लेते हैं खोल के कि ये ब्रांड क्या चीज सेल कर रहा है। ये भी एक दराज मॉल का ब्रांड है और ये कुछ थोड़ा सा पुराना ब्रांड है, मतलब कम से कम इसको कोई साल डेढ़ साल हो जो अंदाजा कहता है मेरे। इसके बाद डिफरेंट कैटेगरी, एक कैटेगरी पे काम नहीं कर, देखें जो ब्रांड एक कैटेगरी पे काम करता है ना तो वो महदूद कैटेगरी पे काम कर सकते हैं, मतलब जो ब्रांड मल्टीपल कैटेगरीज पे काम कर रहे, फर्ज करें इसके पास डिफरेंट कैटेगरीज है यहाँ पर। अब ये किचन आइटम भी सेल कर रहा है, बाथ के आइटम भी सेल कर रहा है, डेकोरेशन आइटम भी सेल कर रहा है, इसके अलावा डिफरेंट यहाँ पर शूज भी सेल कर रहा है, बेडशीट भी कर रहा है, डिफरेंट यहाँ पर कैटेगरीज इसके पास मौजूद है मतलब, ठीक है। अब ये बंदा जो है मतलब एक कैटेगरी पे खास काम नहीं कर रहा, तो इस बात से आपको आइडिया होता है कि ये बंदा जो है डिफरेंट कैटेगरीज पे काम कर रहा है। तो इसके पास काफी अच्छे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, देखें ये टॉवल सेट बेचता है, इसके बाद 2 बाथ सेट है, 2 हैंड टॉवल, 4 हमारे जो सेट बना के बेचता है, उसके ऑर्डर्स देखें अच्छे खासे आपको जो शो हो रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद हम कुछ और देख लेते हैं यहाँ पर, हम वापस दराज की वेबसाइट पे जाते हैं। अब आपका असल काम आया आपका टास्क, आज का जो आपका टास्क है ये आपको मैंने ब्रांड्स भी दिखा दिए, दराज मॉल भी दिखा दिया और फ्लैश सेल भी दिखा दी, कैटेगरी भी दिखा दी, उसके बाद कैटेगरीज नीचे भी आपके सामने आ रही है, आप इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और जस्ट फॉर यू ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप डेली बेस पे सर्च कर रहे हो, वो सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ नजर आते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें डिफरेंट आइटम्स आपको नजर आ रहे, वॉचेज हैं हमारे पास, डिफरेंट आइटम यहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अब आपका जो टास्क क्या है, आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि आपने अपना एक बायर अकाउंट बनाना है, अपना अपनी शॉपिंग के लिए, अपने खास खुशी अपने लिए बनाना है। आपने ऐसी जीमेल पे अपना अकाउंट बनाएंगे जो आज से पहले दराज पे कभी यूज ना की, ठीक है। तो सिंपल तरीका क्या है, आपका असाइनमेंट भी यही है, आज का असाइनमेंट भी आपको यही है, आपने करना क्या है, आपको असाइनमेंट जरा मैं दिखा दूं एक बार, आपने काम क्या करना है, आपका घर से काम क्या है, आपने प्रैक्टिस मतलब क्या करनी है, प्रैक्टिस मतलब क्या, आपने वर्किंग क्या करनी है। एक काम आपको मैंने दिया है कि आपने कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना है मतलब, ठीक है। ये आपको काम जबानी दिया है मैंने कि आपने दराज की वेबसाइट पे जाना है और वहां जाके डिफरेंट कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना है, ठीक हो गया। और दूसरा असाइनमेंट आपका ये है कि आपके आपने क्रिएट बायर अपना अकाउंट बनाना है, बायर वाला, सेलर नहीं, बायर वाला जिससे शॉपिंग की जाती है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करना है। आपका जो असाइनमेंट होगा लर्निंग विद अर्निंग के ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप में आप सबमिट करवाएंगे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, आपको मैम वो लिंक दे देंगी। उसके बाद आपने अपने मोबाइल में दराज की ऐप को इंस्टॉल करना है, दराज की एक ऐप होती है हमारे पास शॉपिंग ऐप, दराज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप, उसको आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से जाके। दो काम आपने करने हैं, एक ये अकाउंट बनाना है बायर अकाउंट का और एक ऐप इंस्टॉल करनी है, और तीसरा काम आपने कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना है, ठीक हो गया। अब आपको मैं सिखाता हूँ अकाउंट बनता कैसे। आप दराज की वेबसाइट पे जाएंगे सबसे पहले, सबसे ऊपर यहाँ टॉप पे लिखा होगा राइट हैंड सीधे हाथ पे लिखा होगा जहां ये आ रहा है सेव मोर एफिलिएट प्रोग्राम सेल ऑन दराज कस्टमर केयर ट्रैक लॉगिन साइन अप, ये फ्री ऐप के पे लिखा हुआ साइन अप, तो ये जहां मेरा माउस कर्सर है साइन अप पे आप क्लिक कर दें।
जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन लिखा होगा क्रिएट योर दराज अकाउंट। जिनके अकाउंट बने हुए हैं तो वो मत बनाए, वो उसी से काम चला सकते हैं, ठीक है। इनके नहीं बने हुए वो अकाउंट बनाएंगे अपने बायर अकाउंट। अच्छा, अब यहाँ पर दो तरीके हैं, एक है मोबाइल नंबर से करने का, एक ईमेल। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ ईमेल। नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ लिखा हुआ है साइन अप विद ईमेल, तो इस पे आप क्लिक कर दें साइन अप विद ईमेल पे। तो हमेशा बायर अकाउंट ईमेल से बनाया, ज़रा फायदा होगा आपको, जल्दी बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप आ गए तो यहाँ आपने ईमेल डालनी है अपनी, जो भी आपकी ईमेल है अपनी ईमेल डालेंगे। और ये स्लाइडर है, इसको पकड़ के आप माउस से पकड़ के आप आगे कर देंगे। अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो हाथ से पकड़ के आगे कर देंगे, स्लाइड करेंगे। और इसको अगर आप माउस से पकड़ के आगे करेंगे तो आपकी ईमेल पे एक कोड आएगा। जो ईमेल आप यहाँ डालोगे उस ईमेल पे एक कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ लगाना है। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड अपनी मर्जी का लगाएं, कोई भी लगा दें, ABCD12 कुछ भी लगा दें, आपकी मर्जी है। कम से कम 8 करेक्टर्स, 6 करेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करें अपनी यहाँ पर, कि आपके कौन सी डेट ऑफ बर्थ है, तारीख की पैदाइश कौन सी आपकी। अपना ईयर सेलेक्ट करें यहाँ से आप, तो यहाँ से आपको काफी आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट करें हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया अपना, और जेंडर मेल या फीमेल सेलेक्ट करें आप अपने, या अपना नाम लिख दें आप यहाँ। फर्स्ट करें नाम आपका अली है, कोई भी नाम है आपका, आप अपना नाम यहाँ लिख दें। उसके बाद यहाँ चेक पे क्लिक करें और साइन अप पे क्लिक कर दें, साइन अप पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, लॉग इन करना है। क्या करना है, लॉग इन। जब आप लॉग इन करते हैं, लॉग इन का मतलब होता है अपना ईमेल और पासवर्ड, जो ईमेल यहाँ डाली, जो पासवर्ड डाला है वही आपने। तो आप लॉग इन पे क्लिक करें, अब यहाँ अपना ईमेल डालें। फर्स्ट करें मेरा एक अकाउंट बहुत पुराना है, मैंने मोबाइल नंबर से बनाया था, मगर आपने ईमेल से बनाना है। मैं आपको लॉग इन करके दिखाता हूँ मैं आपको अपना, ठीक है। ये मैंने डाला, इसके पासवर्ड डाल दें आप अपना। ठीक है, ये आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा, जो आपने अपना ईमेल और पासवर्ड डाला होगा। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, एक प्रोफाइल का, एड्रेस का, वो आपने ठीक करना है आपने, मतलब प्रोफाइल ठीक करनी है आपने, अपना एड्रेस डालना है आपने। मतलब आप आएंगे यहाँ पर माय प्रोफाइल में आएंगे, यहाँ नीचे लिखा हुआ है साइड पर उल्टे आ तो माय प्रोफाइल, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और अपनी डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डालेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद एड्रेस बुक पे आप आ जाएंगे, तो एड्रेस बुक पे आने के बाद आपने एड्रेस डालेंगे, मतलब जो आपका एड्रेस, घर का एड्रेस है वो डालेंगे, क्योंकि आपने शॉपिंग करनी है यहाँ से, तो आपको एड्रेस अपने घर का डालना होगा। अपना एड्रेस डालेंगे आप, ये नेट का थोड़ा इशू है, ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। ये आपका एड्रेस, यहाँ अपना एड्रेस डालेंगे, एडिट करके एड्रेस डालेंगे, जो भी अपना मोबाइल नंबर डालेंगे आपका एड्रेस यहाँ सेव हो जाएगा, ठीक है। ये दो तीन चीजें हैं, अपनी प्रोफाइल अपनी मेंटेन करनी है, अपने अपनी एड्रेस चेक करना है आपने लाजमी। दो चीजें करने के बाद आप सेव कर लेंगे और आपका बायर अकाउंट ये बन जाएगा। आपने मुझे इसका स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ये आपके सामने आ रहा है ना माय प्रोफाइल, ये स्क्रीनशॉट आपने लेना है अपने कंप्यूटर में, अपने मतलब मोबाइल में, ये स्क्रीनशॉट आपने सेंड करना है मुझे। माय प्रोफाइल पे जाके ना माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है, माय प्रोफाइल पे जो भी स्क्रीनशॉट आपके सामने आ रहा होगा, जिसमें आपका नाम, ईमेल सब कुछ शो हो रहा होगा आपका, तो वो आपने करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। ये आपका बायर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट बन गया। ये आपने, यही अकाउंट आपने अपनी दराज की ऐप जब इंस्टॉल करोगे उसमें जाके लॉग इन करना है आपने। तो ये दो काम आपने लाजमी करने हैं, एक बायर अकाउंट बनाना है दराज की वेबसाइट पे, और एक ऐप लाजमी इंस्टॉल करनी है, और तीसरा काम जो दराज की कैटेगरीज होती हैं उनको आपने एक्सप्लोर करना है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया है, कोई सवाल है किसी का यहाँ तक तो सवाल पूछ ले मुझसे, कि भाई बायर अकाउंट कैसे बनता है और कैटेगरीज को एक्सप्लोर कैसे करना है आपने, तो ये सब सवाल मुझसे आप कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलेंगे। जिनका पहले बायर अकाउंट बना हुआ है वो मत बनाए, वो उसी का स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करेंगे, और जिसका मोबाइल पे बना है वो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, आप मोबाइल पे भी काम कर सकते हैं अपना, मगर उस नंबर पर जाके अपना ईमेल ऐड कर दें। अपनी सेटिंग में जाएंगे ना यहाँ पर आप, जैसे अब मैंने सेटिंग खोली हुई यहाँ पर, ये तो यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आप जाके ना अपना माई प्रोफाइल में जाके अपना ईमेल यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से ऐड करेंगे, सेव करेंगे, आपकी एडिट हो जाएगी यहाँ, ठीक है। लाजमी काम करें,
आप दराज की ऐप को ओपन करके अपना प्रोफाइल लॉगिन करें, लॉगिन करें फिर उसका स्क्रीनशॉट लें। अच्छा इकरा नजीर, आपका सवाल है कैटेगरी के स्टोर कैसे करना चाहिए, देख लें भी जरा गौर से। हम दराज की वेबसाइट पे जाएंगे, daraz.pk। आप वेबसाइट पे आ गए यहाँ पर, ठीक है मैं आपके सामने एक बार खोल के दिखाता हूँ, daraz.pk। ये वेबसाइट आपने ओपन कर ली। अब ये सारी कैटेगरीज आपके सामने आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, टीवी, हेल्थ, बेबीज, ग्रोसरी, सब कुछ आपके सामने। अब इनको बारी बारी आपने खोलना है। अब खोलना कैसे है, आपने सिंपल तरीके, अगर आप सवाल जवाब छोड़ दें, स्क्रीन पे फोकस, ये बहुत अहम चीज है। आप फर्ज करें आप एक कैटेगरी में गए, वुमेन्स फैशन में गए, किस में गए, वुमेन्स फैशन। तो यहाँ आपने एक कैटेगरी सिलेक्ट कर ली शूज की, आप इस पे गए, शूज पे आपने क्लिक किया, वुमेन्स फैशन में गए, शूज पे क्लिक कर दिया आपने, तो ये अब आपकी कैटेगरी खुल जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी खुल रही है। अब इस शूज की कैटेगरी में आपने देखना है, ये शूज लिखा हुआ है, इसके नीचे लिखे होते हैं एटम, कितने प्रोडक्ट हैं, मतलब 43,000, कितने प्रोडक्ट हैं, देखिए आपके सामने मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 43,000 है ये, 43,000 शूज अवेलेबल है इसके बाद। ठीक है, आपने देखना है अभी कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें आ रहे हैं, कौन कौन से किस किस्म के शूज आ रहे हैं, हर कैटेगरी को बारी बारी एक्सप्लोर करना है, उसके अंदर एटम देखने हैं, कौन कौन से आइटम इसमें आ रहे हैं, शूज आ रहे हैं, चप्पलें आ रही हैं, सैंडल, कौन कौन सी चीजें इसमें आ रही हैं, इस तरह से आपने एक्सप्लोर करना है। ठीक है ना, इनको देखना है, मतलब देखना है आपने, करना कुछ भी नहीं, सिर्फ देखना है आपने, वॉच करना है कि किस कैटेगरी में कौन से आइटम्स आते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। समझ आ गई बात आप लोग को, इकरा नजीर एंड इब्तिसाम मुनीर साहब। अब और किसी का कोई सवाल हो तो कर सकता है। ठीक है, समझ आ गए, सो फार वेरी गुड। अकाउंट आपने लाजमी बनाना है अपना, ऐप लाजमी इंस्टॉल करनी है, कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना है, किस कैटेगरी में क्या आ रहा है, किस में क्या नहीं आ रहा, इससे क्या होगा आपको आइडिया होगा, जब आप अपनी हंटिंग शुरू करोगे, अपने लिए जब प्रोडक्ट ढूंढोगे, आपको आइडिया होगा भाई कि ये कैटेगरी जो है इस प्रोडक्ट में लाई करती है, तो मैंने इस कैटेगरी पे खास, मैंने इस नीच पे काम करना है, मैंने इस कैटेगरी पे काम करना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा लेसन होगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा भाई किस कैटेगरी में क्या क्या चीजें आ रही है, ताकि आपका माइंड खुलेगा भाई ये कैटेगरी है इसमें ये आता है। फर्ज करें हम जाते हैं कैटेगरी में, हम लोग जाते हैं ये होम एंड लाइफ स्टाइल में, इसमें क्या आता है, लॉन्ड्री के आइटम, लाइटिंग, किचन के आइटम आते हैं, फर्नीचर, डेकोरेशन, ये सारे आइटम इसमें आते हैं। मतलब अगर हमने एक खास इस कैटेगरी में हमने काम करना है, किसी सब कैटेगरी में हमने काम करना है, किचन एंड डाइनिंग में काम करना है, तो उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं, तो उसको हम कैसे देखेंगे किस कैटेगरी, अगर हम फर्ज करें हम जाते हैं यहाँ पर एक और कैटेगरी में जाते हैं होम एंड लाइफ स्टाइल या किचन एंड डाइनिंग, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने किचन एंड डाइनिंग पे क्लिक किया, इसमें डिफरेंट ऊपर ऊपर देखें जरा, ग्रेटर्स, स्पेशलिटी किचन टूल, किचन ऑर्गेनाइजर, ये सारे ऊपर जो है उसको बोलते हैं सब कैटेगरीज। ये किचन की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब कम से कम 12 लाख प्रोडक्ट, देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है 12 लाख, 12 लाख प्रोडक्ट है किचन एंड डाइनिंग है, मतलब हर कैटेगरी में, किसी में 15, किसी में 20,000 होंगी, किसी में 30,000 होंगी, किसी में 4 लाख, किसी में 5 लाख, सबकी अपनी अपनी है। अब किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को आपने टारगेट करना हो, फर्स्ट करो आपने टारगेट करना है फूड स्टोरेज, यानी क्या फूड स्टोरेज, आप इस पे क्लिक कर दो, तो ये स्पेसिफिक एक कैटेगरी, एक नीच आपके सामने आ गई, किचन एंड डाइनिंग के अंदर एक कैटेगरी आती है फूड स्टोरेज। अब इसमें कितने आइटम आ रहे हैं, 42, कहाँ पर 12 लाख आइटम थे सबके मिला के। अब मैंने एक कैटेगरी को एक्सप्लोर किया, एक सब कैटेगरी को, इसका मतलब है कि एक सब कैटेगरी में मैंने काम करना है, इस खास कैटेगरी पे, इसमें आते हैं 42,000 आइटम। अब फर्ज करें हमारे पास एक आइटम है ये वाला, मैं इसकी मिसाल दूंगा ये वाला, इसका मतलब ये एक आइटम है हमारे पास, इसको हम खोल के ओपन करके चेक करते हैं इसमें है क्या। अब ये आइटम है इस तरह का, देखिए इस तरह का आइटम है ये वाला,
अब ये इसमें हम काफी सामान रखते हैं, किचन के यूजेज के लिए किस तरह का सामान रखते हैं, और ये बहुत फ्रीजर बैग्स होते हैं, बहुत अच्छा आइटम है ये, और ये 20 पीस आपको दे रहा है स्मॉल, और इसकी प्राइस चेक करें 239 सेलिंग प्राइस, जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जो नीचे कटी हुई आ रही है कटिंग वाली, ये है लिस्टिंग प्राइस, जो ऊपर आ रही है ये है हमारे पास सेल प्राइस। तो ये बंदा जो है 239 के 20 पीस दे रहा है, जब भी इसकी आप रेटिंग चेक कर लें, इसके येलो स्टार 272 आ रहे हैं, मतलब इसकी रेटिंग भी अच्छी है और ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, इस वक्त मार्केट में बहुत इन प्रोडक्ट, अगर आप इस प्रोडक्ट पे भी काम करते हैं तो आपको काफी फायदा होने वाला है। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, आपको काफी आइडिया हो जाएगा कैटेगरी को देख के जाके। अब कोई सवाल आप तो आपके असाइनमेंट से रिलेट करते हुए तो वो आप पूछ सकते हैं, असाइनमेंट आपके सामने खुला है, आप सवाल अपने करें, जितने आपने सवाल करें कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका क्वेश्चन कर सकते हैं आप। अच्छा आपको समझ आ गई, अच्छा लास्ट में सबको समझ आ गया, मैं एक 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 चीज लास्ट में रहेगी, मैं उसके ज्यादा बारे में बता दूंगा आपको मैं, कि वो एक चीज रहेगी थी, वो उसको देख लें जरा गौर से। अच्छा जब आप दराज की वेबसाइट पे जाते हैं, दराज की वेबसाइट पे आप खोलते हैं daraz.pk, तो सबसे ऊपर टॉप पर एक बैनर आ रहा होता है, ये देखिए सबसे ऊपर टॉप पर मोटरसाइकिल रेडमी नोट 10, ये आपका इसको बोलते हैं टॉप बैनर। अगर आप फर्ज करें, अब यहां पर एक वर्ड आता है मोटरसाइकिल मैनिया, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट कर मैंने इस टॉप बैनर पे क्लिक किया, तो अब मेरे सामने जो भी इसके प्रोडक्ट होंगे, जो भी इसके आइटम्स होंगे, इससे लिंक करते हुए सॉरी मोटरसाइकिल फॉर मैनिया इंटरप्ट की। सर, जी लास्ट 5 मिनट्स आर लेफ्ट। जी ठीक है, अब देखिए ये आपको बता रहा है कि आप भाई वाउचर में इतने स्पेंड करेंगे, इतने आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये क्या होता है, इसको दराज खुद प्रमोट कर रहा है। ये वो ब्रांड्स हैं जैसे होंडा का है, इस तरह से बहुत सर्विस के टाइप शेल का है, इतने ब्रांड्स हैं, ये इसको दराज खुद प्रमोट कर रहा है। क्यों प्रमोट कर रहा है, क्योंकि ये दराज के साथ एक ब्रांडेड प्रोडक्ट, अब देखिए इसने अपना डीमॉल अकाउंट बनाया हुआ है, मतलब कि ऐसा अकाउंट जो दराज को फायदा देता है, दराज पे सेल्स लेके आता है। देखो दराज पे जब सेल आती है, दराज आपसे कमीशन काटता है, तो दराज को काफी फायदा होता है, मतलब हर ऑर्डर पे काफी अच्छा खासा उसको फायदा हो सकता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है, जो भी टॉप बनर आपको नजर आए उस पर आप क्लिक करें, उसके अंदर जाए, उसमें चेक करें उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या सेल है, कितना वाउचर है। अब देखें ये प्रोडक्ट है लर्न बेस फन, अगर फर्स्ट एड, ठीक है, डिफरेंट यहाँ पर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना, माय फेवरेट, अब ये एक आ रहा है हमारे पास, इस तरह के डिफरेंट कलेक्शन। अब ये कुकिंग के आ रहे हैं, अब इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो अब ये कुकिंग के जो आइटम है, ग्रोसरी आइटम, सब आपके सामने आ जाएंगे कि किस पे कितना बेनिफिशियल आपको मिले, कितना डिस्काउंट में कितना वाउचर मिलेगा आपको। ठीक है, अभी टॉप ब्रांड्स यहाँ पर आ रहे हैं, मिजान का ब्रांड है इसमें, जायदा का ब्रांड है, मोइस का ब्रांड है, ये सारे टॉप ब्रांड द्रास के ऊपर रजिस्टर्ड है, इनको पता है कि राइस के ब्रांड्स आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए सारे ब्रांड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी काफी अच्छा आपको आइडिया मिल सकता है। ठीक है, तो ये ब्रांड्स द्रास के सब सब रजिस्टर्ड है, ठीक है, लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, इकरम नजीर आप ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक हो गया, आपको सवाल है सवाल कर लें, वरना फिर हम क्लास को जो है वाइंड अप करें, 2-3 मिनट रह गए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आज की क्लास से लिंक करते हुए, दराज से लिंक करते हुए, प्रोडक्ट से लिंक करते हुए आप कर सकते हैं, आपको मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है मैम, इनके कोई सवालात नहीं है तो आप बेशक क्लास को जो है वाइंड अप कर सकती हैं।